चलिए तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है, हाउ शैल अ डिफ्रेक्शन पैटर्न चेंज व्हेन व्हाइट लाइट इज यूज इंस्टेड ऑफ मोनोक्रोमेटिक। अगर मोनोक्रोमेटिक लाइट की जगह हम व्हाइट लाइट यूज करें तो क्या होगा? जी आंसर, ये तो मैंने डिस्कस किया था, ऑप्शन पढ़ लेते हैं। द पैटर्न विल नो लॉन्गर बी विजिबल, द शेप ऑफ पैटर्न विल चेंज फ्रॉम हाइपरबोलिक टू सर्कुलर, द कलर पैटर्न विल ऑब्जर्व विद द व्हाइट ब्राइट फ्रिंज एट द सेंटर, द ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस विल चेंज पोजिशन। तो यहाँ पे सब सी आंसर बता रहे हैं और सी डी भी बताया प्रियांशु ने। तो कलर पैटर्न विल ऑब्जर्व विद व्हाइट ब्राइट फ्रिंज एट द सेंटर, मैंने ये बताया भी था कि शुरू के ऑर्डर क्या होंगे, हमें दिखाई देंगे वॉयलेट टू रेड, और फिर आगे के ऑर्डर जाके मिस हो जाएंगे, और सेंटर में हमें ब्राइट व्हाइट फ्रिंज मिलेगी, क्योंकि सबके लिए जो थीटा है प्रिंसिपल मैक्सिमा के लिए वो जीरो होगा, कोई सी भी वेवलेंथ हो। सिर्फ मिनिमा के केस में क्या होगा, कलर्स अलग अलग हो जाएंगे सेकेंडरी मैक्सिमा के केस में। साउंड वेव्स कैन नॉट बी डिफ्रेक्टेड, बी ऑप्शन आ रहा है, फॉल्स। साउंड वेव भी जो है डिफ्रेक्टेड हो सकती हैं, होती हैं, तो इसका आंसर फॉल्स है। एक्सरे क्रिस्टोग्राफी यूज्ड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइट, पोलराइजेशन, इंटरफ्रेंस, डिफ्रेक्शन और कोहेरेंसी। डिफ्रेक्शन इसका करेक्ट आंसर है। इन फ्रेजनल डिफ्रेक्शन द इंसिडेंट वेव फ्रंट इज हाइपरबोलिक, लीनियर, स्पैरिकल और एलिप्टिकल। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो सी है, स्पैरिकल वेव फ्रंट। हाउ मेनी लेंसेज आर यूज्ड इन कॉन ऑफ अ डिफ्रेक्शन, टू कॉन्वेक्स लेंसेज, टू कॉनकेव लेंसेज, वन कॉन्वेक्स लेंसेज, नो लेंस यूज्ड। टू कॉन्वेक्स लेंस यूज होते हैं तो ए ऑप्शन करेक्ट है, जो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो ए है। द जोन प्लेट बिहेव लाइक अ कॉनकेव लेंस विद मल्टीपल फोकी, कॉन्वेक्स लेंस विद मल्टीपल फोकी, कॉन्वेक्स लेंस विद सिंगल फोकी, कॉनकेव लेंस विद सिंगल फोकी। बी ऑप्शन बता रहे हैं सब लोग, बिल्कुल ठीक, कॉन्वेक्स लेंस विद मल्टीपल। इन एक्स लेंसेज आर यूज्ड इन कॉन ऑफ अ डिफ्रेक्शन, बाय इन फ्रेजनल डिफ्रेक्शन, तो y माइनस x, x माइनस y इज x लेंस, तो कॉन ऑफ अ डिफ्रेक्शन पैटर्न में यूज हो रहे हैं, फ्रेजनल में y हो रहे हैं, तो x माइनस y कितना होगा? कॉन ऑफ पर में दो लेंस यूज होते हैं, फ्रेजनल में जीरो लेंस होते हैं, तो यानी कि x इक्वल टू टू है, y इक्वल टू जीरो है, तो x माइनस y इक्वल टू टू, ये ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इन सीडी अवेलेबल इन द मार्केट एक्ट एज ए डिफ्लेक्शन ग्रेटिंग, रिफ्लेक्शन ग्रेटिंग, ट्रांसमिशन ग्रेटिंग, एक्ट एज ए ग्रेटिंग। ग्रेटिंग का मतलब क्या है कि एनस्लिट, ये ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है, रिफ्लेक्शन ग्रेटिंग। तो सीडी अवेलेबल इन द मार्केट एक्ट एज ए रिफ्लेक्शन ग्रेटिंग। हाउ मेनी स्पेक्ट्रम कैन बी अचीव्ड बाय ग्रेटिंग एंड प्रिज्म रिस्पेक्टिवली, वन एंड वन, मोर देन वन एंड वन, वन एंड मोर देन वन, मोर देन वन एंड मोर देन वन। तो लेकिन मोर देन वन होगा, है ना, फर्स्ट ऑर्डर रहेगा, तो एक फर्स्ट ऑर्डर इधर दिखाई देगा, एक फर्स्ट ऑर्डर इधर दिखाई देगा, लेफ्ट और राइट साइड दोनों साइड। तो ग्रेटिंग में मोर देन वन होता है, जबकि प्रिज्म के अंदर जब लाइट प्रिज्म से पास होती है तो हमें जब कलर्स अलग अलग होके दिखाई देते हैं, सिर्फ एक ही ऑर्डर दिखाई देता है उनका। तो इसका जो ऑप्शन है वो बी ऑप्शन, मोर देन वन एंड वन करेक्ट है। द फिनोमिना यूज फॉर ऑब्टेनिंग ग्रेटिंग स्पेक्ट्रा इज डिफ्रेक्शन, विच फिनोमिना इज यूज फॉर ऑब्टेनिंग प्रिज्म स्पेक्ट्रा। वैसे इस क्वेश्चन को मैं ऐसे भी पूछ सकती थी कि ग्रेटिंग में कौन सा फिनोमिना यूज हो रहा है और प्रिज्म में कौन सा फिनोमिना यूज हो रहा है। तो प्रिज्म का पूछा है फिलहाल इस क्वेश्चन में, डिफ्रेक्शन, इंटरफेरेंस, स्कैटरिंग और डिस्पर्शन। प्रिज्म के लिए डिस्पर्शन ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डज द स्पेक्ट्रा ऑब्जर्व बाय ग्रेटिंग एंड प्रिज्म डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ मटेरियल। तो जो हमें स्पेक्ट्रा दिखाई दे रहा है
चाहे वो डिफ्रेक्शन ग्रेटिंग में हो, चाहे वो प्रिज्म की बात हो, क्या वो मटेरियल पे यूज करता है कि हम कौन से मटेरियल से ग्रेटिंग बना रहे हैं और कौन से मटेरियल से प्रिज्म बना रहे हैं. येस फॉर बोथ, येस फॉर ग्रेटिंग, येस फॉर प्रिज्म, नो फॉर बोथ. तो प्रिज्म के अंदर मटेरियल डिपेंडेंट होता है स्पेक्ट्रा, जबकि ग्रेटिंग के अंदर नंबर ऑफ स्लिट्स डिपेंडेंट, कितनी स्लिट्स हैं उस अरेंजमेंट पे डिपेंड करता है स्पेक्ट्रा. तो यहाँ पे जो सी ऑप्शन है, येस फॉर प्रिज्म करेक्ट ऑप्शन है. अवर आई सी टू ऑब्जेक्ट एट सेपरेटेड ओनली इफ एंगल सब्सटेंटेड बाय देम आई इज ग्रेटर देन 30 सेकेंड, 1 मिनट, 2 मिनट, 10 सेकेंड. ये क्वेश्चन भी मैंने बताया था कि कितना एंगल हमारी आई पे बने कि हम स्पेक्ट्रा को, दो ऑब्जेक्ट को अलग अलग देख सकते हैं, कितना एंगल बना रही है. इसका बी आंसर 1 मिनट. अगर दो ऑब्जेक्ट 1 मिनट का एंगल बना रहे हैं हमारे आई की रेटिना पे, तो हम उन दोनों ऑब्जेक्ट्स को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, सेपरेट देख सकते हैं, और उससे भी क्लोज आ गए, वो एंगल 1 मिनट से भी कम हो गया, तो हम उन ऑब्जेक्ट को एक ही देखेंगे, दो नहीं देखेंगे. तो 1 मिनट इज अ करेक्ट ऑप्शन.